राहुल गांधी ने कर्नाटक में रैली को संबोधित किया। इस दौरान कर्नाटक में विधानसभा मतदान की तारीख अब काफी पास है, पार्टी आक्रामक तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रही है। इस बीच राहुल गांधी ने कर्नाटक में रविवार को बसवा जयंती समारोह में भाग लिया और एक रोड शो भी किया। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लिंगायत समुदाय तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए राज्य के बागलकोट जिले में बसवा जयंती समारोह में भाग लेने के लिए राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं। विजयपुर में रोड शो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद 2000 रुपए हर महीने हर महिला को कांग्रेस पार्टी देगी। खैर, ऐसे दावे हर राजनेता लगाते रहते हैं, जैसे कि यह आप नेता अरविंद केजरीवाल ने भी बोला था पंजाब के 2022 के विधानसभा चुनाव में। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस भी यही खेल खेलना चाहती है। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हर महीने 200 यूनिट बिजली हर परिवार को देंगे, हर महीने 10 किलो चावल हर परिवार के सदस्य को देंगे, सबसे जरूरी हर महीने 3000 रुपए हर ग्रेजुएट को हम देंगे और डिप्लोमा वालों को 1500 रुपए देंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट सरकार है, यह कम से कम 40% कमीशन लेते हैं जो भी काम करते हैं। पहली बार ठेकेदार संघ ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक में 40% कमीशन ली जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी का जवाब नहीं दिया और फिर प्रधानमंत्री मंच पर जाकर कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी ये उस सरकार को नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि इसमें 150 सीटें आएंगी। भाजपा की 40% कमीशन की जो आदत है उनकी 40 सीटें आने वाली हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने कुदाल संगम में बसवा मंडप में बसवा जयंती कार्यक्रम में भाग लिया और धसोहा भवन में प्रसाद ग्रहण किया। फिर उन्होंने विजयपुर में रोड शो किया। राहुल गांधी ने इस महीने की शुरुआत में कोलार में एक रैली को संबोधित किया था। कर्नाटक में नई विधानसभा के चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होगा। आपको क्या लगता है कौन आएगा सत्ता में, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए सिर्फ जनहित टाइम्स पर।